हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं। हमें एक कस्टमर का कॉल आया है कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अलग से नॉइस आ रही। वो टीवीएस की जनरेटर है, तो उसी के पास हम जा रहे हैं। कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ जाने के बाद आपको हम उसमें प्रॉब्लम बताते हैं, इधर का नज़ारा देख सकते हैं। तो फिर वहाँ जाने पर उसमें प्रॉब्लम हम दिखाते हैं कि उसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है और गाड़ी कैसे स्टार्ट नहीं हो रही, इसमें ट्रैवल का हो गया है। तो हम गाड़ी से पहुँचने के बाद फिर वहाँ आपको दिखाते हैं उसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम हो गया जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। वहाँ जाने के बाद भी आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। दोस्तों, हम अभी 30 किलोमीटर पार कर चुके हैं, कुछ ही दूर में पहुँचने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, हम फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गए। यही वो गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, और इसमें जो इशू है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कंप्रेसर यहाँ पे पूरा डाउन हो गया है। एक जरा सा इसमें कंप्रेसर ने बता रहा है। तो हम नॉर्मली कुछ वहाँ से इसका जो है किट हम लेके चले, पेचकस वगैरह इसमें है, इसका हम कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करें वो आपको मीडियम दिखा देते हैं। नॉर्मली इसको अभी तो इसका टाइफिड वगैरह सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ शोरूम में नहीं है, शोरूम से बाहर है। तो इसको कैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। कंप्रेसर को कैसे ज़्यादा अभी बना के नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सीट ओपन कर लेते हैं। सीट ओपन करने के बाद यहाँ पे सारा सामान निकालने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। तो आपके साथ भी इस तरह हो कि आपका कंप्रेसर डाउन हो जाए और गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो नॉर्मली आपको पेचकस के मदद से स्कूटी और स्कूटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो ढक्कन है इसको नॉर्मली हम ओपन करने के बाद आके प्रोसेस बताते हैं कैसे गाड़ी स्टार्ट करें। तो इसको नॉर्मली 4 हेड स्क्रू की मदद से यहाँ खोल लेते हैं, फिर आगे बाद आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम पेचकस इसको रिमूव कर लिए। हम नॉर्मली ढक्कन उठाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये निकल गया। अब यहाँ पे इसको निकालने के बाद यहाँ पे आपको कार्बोरेटर दिख पा रहा होगा, तो कार्बोरेटर का जो स्लाइड है यहाँ पे इसको प्लास की मदद से खोलना पड़ता है, बट अभी प्लास नहीं है, हाथ से नॉर्मली खुल गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका कंप्रेसर देख सकते हैं, यहाँ पूरा डाउन हो गया। इसी को हमको टाइट करना है जब गाड़ी स्टार्ट होगी। तो नॉर्मली जो है इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं, जैसे यहाँ पे निकल गया। अब इसमें हम कुछ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अगर कहीं भी आपके साथ रास्ते में भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व करें यहाँ पे आपको वीडियो के जरिए मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ऑयल डालेंगे मोबिल थोड़ा सा एक ढक्कन, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे 1 से 2 ढक्कन नॉर्मली आपको ऑयल डालने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। जो दोस्तों देख पा रहे हो, यहाँ पे हम ऑयल डालने के लिए ऑयल अपने साथ नहीं ले आए हैं। कस्टमर हमको बोला कि कंप्रेसर डाउन नहीं है, मतलब डिटेल में हमको नहीं बताया कि गाड़ी में क्या हुआ है जिसका कंप्रेसर डाउन है और हम ऐसे जगह पे फंसे हैं जहाँ पे ऑयल अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली हम जो है यहाँ पे गाड़ी का ही ऑयल निकालने वाले, तो ये देखो बहुत ज़्यादा टाइट है। यहाँ पे इसका स्लाइडिंग बना हुआ कैमरे में आपको दिख पा रहा होगा इस जगह पे, तो इसको हम लूज कर ले रहे हैं। देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट था, बट इसको हम लूज किए। अब इसी गाड़ी का थोड़ा सा हम ऑयल निकाल के कंप्रेसर में डालेंगे। तो एक मेरे पास ग्लास भी इधर से हम ढूंढ के लाए हैं आपके साथ, जो रास्ते में फंस जाते हैं उसके लिए, कस्टमर के लिए है कि वो कोई भी गाड़ी अगर रास्ते में फंस जाते हैं तो अपने ही गाड़ी से कैसे सॉल्व करें। हम तो वर्कशॉप पे शोरूम पे नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। आप अगर कहीं मैकेनिक पास हो तो इस तरह का प्रोसेस आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी नहीं धकेलना पड़ेगा। तो यहीं से हम थोड़ा इंजन से थोड़ा सा ऑयल इधर से हम राइट साइड डाउन करके ऑयल निकाल लेते हैं, फिर कंप्रेसर में डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम गिलास में इसका ऑयल निकाल रहे हैं, बस करो देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसी का राइट साइड, फिर हम इसका जो हम शोरूम पे पहुँचने के बाद इसका हम ऑयल नया ड्रेन करके डाल देंगे। तो यही ऑयल हमको नॉर्मली इस जो है कंप्रेसर में डालना पड़ेगा। यहाँ पे इस जगह पे एक्सीलेटर स्लाइड यहाँ पे बना होता है, इसको नॉर्मली डाल लेते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑयल डाल दिए और यहाँ से इधर से हम ऑयल निकाल लिए थे, यहाँ से इसी का इंजन से, मेरे पास यहाँ ऑयल अवेलेबल नहीं था। तो आप नॉर्मली इस तरह के हम जो स्लाइड खोले थे, इसको स्लाइड को हम टाइट कर लेते हैं, फिर गाड़ी देखते हैं स्टार्ट हो पाती या नहीं हो पाती है। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, इसका स्लाइड हम टाइट करते हैं। हम नॉर्मली किक यूज करने के बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, जैसे ही हम ऑयल यहाँ पे डालें, कंप्रेसर इसका टाइट हो गया। अब 2-3 को जैसे ही गाड़ी का मारेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देख पा रहे हैं, आपको कहीं से वीडियो स्किप नहीं किया, ऑयल डालने के बाद नॉर्मली हम किक मारेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और देख सकते कुछ देर तक यहाँ पे हम साइलेंसर से ऑयल निकलेगा, आप सेल्फ से भी मारेंगे तो गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ यूज करने के बाद आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे गाड़ी स्टार्ट हो गई और इसका कंप्रेसर डाउन हो गया है। यहाँ पे अभी ऑयल निकलेगा कुछ देर, गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो गई। दोस्तों
तो आपके साथ भी अगर इस तरह का रास्ते में आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरह से आप स्टेप यूज कर सकते, गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट कर पाएंगे। अब इसको नॉर्मल हम वर्कशॉप पे ले जाके गाड़ी सर्विस कर देंगे और इसका ऑयल वगैरह सब रिप्लेस कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप अगर कहीं भी रोड में और रास्ते में फंस जाए तो इस तरह का ट्रिक जो इस्तेमाल करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें 30 किलोमीटर दूर आए, मेरे पास ऑयल भी अवेलेबल नहीं था बट गाड़ी में स्टार्ट कर दिए। इसी तरह का आपको अगर टिप्स यूज करना हो, इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।